भारत और इंग्लैंड के बीच इस वक्त वनडे सीरीज खेली जा रही है। आपको बता दें कि गुरुवार को वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया था और अब रविवार को तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। मुकाबले के बीच दो दिनों का रेस्ट दिया गया। इसी दौरान पूर्व कप्तान विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ भजन कीर्तन करने पहुंचे। दरअसल आपको बता दें कि विराट कोहली इन दिनों खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। कई भारतीय दिग्गज उन पर काफी सख्त हैं। कपिल देव समेत कई दिग्गजों का कहना है कि विराट कोहली को टीम से बाहर कर देना चाहिए। तो वहीं टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा साथ ही बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली भी विराट कोहली के बचाव में उतरे हैं। और इस बीच विराट कोहली अब कीर्तन करने भगवान के दरबार में पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ भजन कीर्तन के कार्यक्रम में शामिल हुए और फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भारत और इंग्लैंड का दौरा 17 जुलाई को खत्म हो जाएगा। तीसरा मुकाबला 17 जुलाई रविवार को खेला जाएगा। लेकिन इस बीच लंदन में भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा था। आपको बता दें कि भजन कीर्तन का आयोजन दो दिन किया गया, जिनमें 14 और 15 जुलाई को कार्यक्रम चला। यह कार्यक्रम अमेरिका के सुप्रसिद्ध गायक कृष्णा दास ने किया। इससे पहले भी वे लगातार इस तरीके के आयोजन करते रहते हैं। इसी दौरान कार्यक्रम में विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वहां पहुंचे और कृष्णा दास के शिष्य हनुमान दास ने यह फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए। आपको बता दें कि उन्होंने विराट कोहली और अनुष्का के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि महाराज जी की कृपा से विराट कोहली अनुष्का शर्मा एक साथ मंच पर इकट्ठा हुए और हम सभी लोगों ने भगवान राम का नाम लिया। आपको बता दें कि राम नाम को लेकर यह कीर्तन कई घंटों तक चला और इस दौरान विराट कोहली वहां मौजूद रहे। साथ ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां सभी भक्तगण भगवान राम के भजनों पर और साथ ही भगवान राम की स्तुति करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली के बल्ले से पिछला शतक साल 2019 में आया था। 3 साल से विराट कोहली के बल्ले से एक भी शतक नहीं आया है। इसके अलावा अर्धशतक की बात करें तो विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आखिरी अर्धशतक 18 फरवरी 2022 को वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 मुकाबले में लगाया था। और विराट कोहली के बल्ले से तीनों फॉर्मेट में अभी तक अर्धशतक भी नहीं आया है। और 5 महीने से विराट कोहली के बल्ले से अर्धशतक और साथ ही 3 साल से विराट कोहली के बल्ले से शतक नहीं निकला है। ऐसे में विराट कोहली अब भगवान के दरबार पहुंचे हैं। इसके बाद फैंस का कहना है कि विराट कोहली भगवान से आशीर्वाद के बाद अब तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। बहरहाल बात करें अगर तीसरे मुकाबले की, तो भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में खेला जाएगा। रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक इस ग्राउंड पर 4 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जब भारतीय टीम केवल एक ही मुकाबले में जीत पाई है और इंग्लैंड की टीम ने यहां 3 मुकाबले जीते हैं। साल 2007 में आखिरी बार दोनों टीमें इस मैदान में आमने सामने थी, जहां इंग्लैंड की टीम ने 3 विकेट से जीत हासिल की थी। फिलहाल क्या कुछ होगा आखिरी मुकाबले में, तो देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है विराट कोहली अनुष्का शर्मा के भजन कीर्तन को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।